नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो चौहान इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूं। तो दोस्तों, हमारे पास ये 350 वाट का एम्पलीफायर है और ये 36 वोल्ट का है और कम से कम 24 वोल्ट से चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एम्पलीफायर जो है मैंने अभी मैं ही सेकेंड हैंड लिया था और ये 5000 के आसपास मैंने ख़रीदा था। तो हमारे पास में ही एक रामायण का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें मैंने ये लगाया था। तो वो 36 घंटे की रामायण थी, तो 36 घंटे में इस एम्पलीफायर ने जो यूनिट ख़राब की वो लगभग 10-11 यूनिट ख़राब कर दी। इसकी वॉइस कॉल जो है 10-11 ख़राब हो गई थी। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आपकी यूनिट बार बार ख़राब हो रही हैं, तो इसका मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये 100 वाट की यूनिट है और इसका इम्पीडेंस जो है 16 ओम है। इसी को हम आज रिपेयर करेंगे, ये 12 बार जलती है। तो सबसे पहले हमें इसके चार पेच जो हैं यहाँ से खोल लेने हैं। अब इसको पकड़ के यहाँ से उठाएंगे, इसकी कॉइल ये इधर आ जाएगी। इसमें एक पेपर लगा होता है, इसमें जो हमारी ये वॉइस कॉल जो ख़राब होती हैं, दो तरीका से होती हैं। देखिए, पहला तरीका जो है, इसमें ये हमारी कॉइल की लेयर जो है वायर वाली, ये काली पड़ गई है तो ये ख़राब हो गई है। और दूसरी तरीका से जो ख़राब होती है, देखिए इसमें हमारा ये वायर बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन इस साइड के कनेक्शन इसके जो है ये टूट जाते हैं, ये काम करना छोड़ देती है। इस कॉल का ख़राब होने का सबसे पहला जो कारण होता है, सबसे पहले इसके ये वायर जो है ज़्यादातर ये ख़राब होती हैं। और ये क्यों ख़राब होते हैं, जैसे मान लो इसके ये वायर हैं, ये ज़्यादा बड़े वायर कर दोगे तो इस पेपर से ऊपर निकल आते हैं। देखिए, इसके ऊपर हमने कॉल के ऊपर पेपर लगा दिया, ठीक है, और ये वायर जो हमारे यहाँ ऊपर आ रहे हैं, देखो, तो ये ऊपर आएंगे तो ये हमारा कैप जो है इसके ऊपर रखा जाएगा, तो ये वायर जो हमारे यहाँ आएगा, देखो ये इसमें काला काला यहाँ हो रहा है, यहाँ इससे इसकी स्पार्किंग हुई है। देखिए यहाँ, तो यहाँ से दोनों तार, इसमें एक यहाँ टच होता था, एक यहाँ टच होता था, इस वजह से इसके वायर ये जल जाते हैं। और इसका दूसरा जो कारण होता है ख़राब होने का, देखिए ये हमारी इसकी मैग्नेट है और इस पर हमारी जो कॉल लगती है इस तरीका से फिट हो जाती है, इस तरीका से। अगर ये इसकी कॉल जो है ये ज़्यादा अंदर चली जाएगी इसमें, तो भी इसकी कॉल जल्दी ख़राब होगी। इसका एक नियम होता है, देखिए ये वाइट वाला पेपर जो है दिखाई दे रहा है, ये इस मैग्नेट में अंदर नहीं जाना चाहिए, केवल जो वायर जो हैं इसके 3-4 वायर इतने ही ऊपर है दिखना चाहिए, लगभग इतने, एक दो बार ऊपर की साइड का हल्का सा दिखना चाहिए। तो इसमें जो हमारा पेपर लगता है इसी के हिसाब से मोटाई में होता है, ये देखो इसी के बराबर। अगर ये पतला हो जाएगा, इसको निकाल के फेंक दोगे तभी प्रॉब्लम आएगी। और इसको रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं वो ये होती है, जैसे हमने ये कॉल लगा दी इसमें, देखिए इसके कॉइल के ऊपर हमने इसका कवर रख दिया और देखिए इसको पकड़े, देखिए यहाँ ये हिल रही है, और इसको हिलते हुए पर भी हम इसके पेच लगा देते हैं, ये पैकिंग लग जाएगी तो पता नहीं लगेगी, इसे हिलेगी नहीं, लेकिन इसको बाद में लगाना चाहिए, पहले चेक कर लेना चाहिए हिल तो नहीं रही, देखिए ये हिल रही है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसके जो ये कनेक्शन जो है ना, ये देखिए ये जहाँ पर अगर आप मोटा टांका लगा दोगे तो इस पर ऊपर कॉल हमारी टंग जाएगी, ये मोटा टांका हो जाएगा तो पूरी तरह बैठेगी नहीं और ये इधर उधर हिलेगी हिलेगी, तो इसमें हमारी ये कॉल जो है ये ढीली हो जाएगी, ये चलने पर वाइब्रेट करेगी इधर उधर, इस तरीका से कंपन करेगी तो ये इसके बाहर जल्दी टूट जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये यहाँ इस तरीके से लगने के बाद और इसमें रखने के बाद ये हिलनी नहीं चाहिए कॉल, इधर इस तरीके से हिलनी नहीं चाहिए,
देखिए हमारी यूनिट की ऊपर का कवर जो है हिल रहा है। हिलने का मतलब इसमें कॉइल हमारी जो है वो लूज है, वो फिट नहीं ढंग से। तो इसमें हमारे ये कनेक्शन जो है हमें बिल्कुल हल्के लगाने हैं, बिल्कुल कम से कम इस पर शोल्डर लगाना है। अब देखिए इसका शोल्डर मैंने कम कर दिया, अब इसको इसके ऊपर रख के देखते हैं। इसके चारों पीछे आ जाएंगे और एक वायर जो है इस खांचे में आएगा। अब इसको रख के देखते हैं, देखिए अब कम हिल रही है लेकिन इतनी नहीं हिल रही, तो हिलनी नहीं चाहिए। अब इसकी कॉइल इसमें फिक्स हो गई है, अब इसकी कॉइल के वायर जो है टूटेंगे नहीं, कॉइल ढीली इसमें रहेगी तब इसके वायर ये टूटते हैं, वाइब्रेट करती है, इधर उधर हिलती है। कॉइल इसमें हिलेगी नहीं तो इसके वायर नहीं टूटेंगे, केवल चलेगी ये। या तो आप इस कॉइल को डाल लें तो किसी ग्लू से चिपका दें तो भी ये चिपक जाएगी, तो इसमें वाइब्रेट नहीं करेगी, हिलेगी नहीं तो भी ख़राब नहीं होगी। अब इस कॉइल को हमें इसमें डालने से पहले हमें एक ध्यान बात ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए इसका जो प्लस पॉइंट है रेड वाला और जो माइनस पॉइंट है, इसके प्लस पर कॉइल का प्लस वाला आना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं प्लस माइनस कौन सा है, इसमें कोई लिखा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेट के ऊपर इस पत्ते को लगा के एक कॉइल रखनी पड़ेगी, इस तरीका से जाती है। अब इन बार पर हमें डीसी करंट देना पड़ेगा, आप 4 वोल्ट की बैटरी से भी इसमें दे सकते हैं। ये देखिए 3.7 वोल्ट की बैटरी है, देखिए इस पर हमने एक बार इस कॉल के एक साइड में लगा दिया, दूसरे साइड में इसको लगा रहे तो कॉल हमारी नीचे जाती है, नीचे जा रही है तो उसके बारे उल्टी हैं, प्लस का तार जो उल्टा आ रहा है। और इधर साइड में लगाएंगे तब देखेंगे, तो देखिए ऊपर आ रही है, यहाँ से ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब जी प्लस का वायर हमारा इधर साइड है, रेड प्लस का है तो इसका जी प्लस का हो गया और जी माइनस का हो गया। देखिए इस कॉल में जो एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ से वायर जो जल रही थी यहाँ स्पार्किंग इसमें आ रही थी, देखो ये जब पेचकस के नॉब पर आप देखिए यहाँ ये चलने पर इसकी ये कॉल का वायर जो है ये यहाँ लगता था, तो यहाँ स्पार्किंग होके दोनों जल जाते थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें 2 स्लिप के टुकड़े चाहिए और इस कॉल के दोनों वायरों में हमें इस तरीका से लगा देने हैं। इससे क्या होगा, हमारी ये वायर जो है उस पर मैगनेट पर शॉर्ट नहीं होंगे, जैसे इस तरीका से कॉल आएगी तो ये शॉर्ट नहीं होंगे। इस कैप में हम इस कॉल को फिट कर देंगे, जो हमारा प्लस पॉइंट है रेड वाला, ब्लैक वाला माइनस है, और हमने ये प्लस पे प्लस लिख दिया है, माइनस पे माइनस, इस कॉल पर भी प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस। अब हमें इस तरीका से कॉल यहाँ लगा देनी है। तो देखिए इसके बाद जो हमें इसके लेवल तक यहाँ तक हमें काट लेनी है, एक पहला जी काट दिया, दूसरा बार जी इसके ये लेयर जो है इसके लेवल तक, अब प्लस से प्लस माइनस से माइनस इस पर रख देंगे। और इस पर हमें ये शोल्डर से जो आयरन इस पर इसके टांके को जो लगाएंगे, तो इसकी वॉइस कॉल को हम सबसे पहले यहाँ पीछे को खींचेंगे। पीछे को खींचने के बाद अब इस पर आगे यहाँ गैप ज़्यादा हो जाएगा, देखिए, और जहाँ गैप नहीं है अब इस पर हम इस टांके को लगा देंगे। अब हमें इसका दूसरा वाला भी टाँका लगाना है, तो इस कॉइल को हम पीछे को खींचेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हिलने हिलने झुलने के लिए जगह रहनी चाहिए। ये कॉइल जो है थोड़ा ऊपर नीचे चलती है, उसके लिए
यहाँ स्प्रिंग टैप जो बनी हुई है ये मैग्नेट जो है इसे ऊपर नीचे फेंकती है, उस वजह से थोड़े लूज रखने पड़ते हैं, हल्के, ज़्यादा लूज नहीं रखना, ज़्यादा लूज रखोगे तो फिर यहाँ मैग्नेट को टकराते हैं वायर। अब इसका हमने दूसरा वायर भी लगा दिया और आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है, इसके ये कनेक्शन जो है टांका जो है इस पर मोटा नहीं होना चाहिए, अगर मोटा रख दोगे तो ये कॉइल इसमें ढीली रहेगी, इधर उधर हिलेगी। अब इस पत्ते को एक बार इस पर रख के देखते हैं, देखिए ओवर नहीं हो रहा है। अब इस कॉइल को इस मैग्नेट ऊपर लगा के देखते हैं, अब देखिए हमारी ये कॉल हिल नहीं रही, इधर से दबाने पर ना इधर से दबाने पर, इस जबकि इसके पेच भी नहीं लगे हुए हैं, तो इसके में हमारी ये कॉल जो है सेट हो गई है। इसके बाद में हमें इसकी ये रबड़ लगा देनी है, इस रबड़ को लगाने के लिए इस तरीका से लगानी पड़ेगी, देखिए इस तरीका से। और इसके ऊपर के कैप को हम इस पर रख देंगे। अब इसके हमें चारों पेच कसते हैं, बराबर बराबर कसने हैं अपने हिसाब से। अब हमारी कॉल कंप्लीट हो गई। अब देखिए यूरिन हमारी तो कंप्लीट है, इसको चेक करके देखते हैं, देखिए और ये अच्छे से काम कर रही है। अगर आपकी यूनिट की वॉइस कॉल इस तरीका से बार बार जल रही है तो ये हाई वोल्टेज पे जलती है, इसके लिए हमें यूनिट ड्राइवर का सीरीज बनाना पड़ेगा, उसके लिए इसका प्लस पॉइंट और इसका माइनस पॉइंट दोनों मिला देने हैं, और इसके बाद बाहर की साइड में ये माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट बचे इन दोनों से वायर हम एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारी यूनिट हाई वोल्टेज की हो जाएगी, फिर ख़राब नहीं होगी।